नहीं, मेरे वीडियो की क्वालिटी इतनी ख़राब नहीं है। सेटिंग कैमरे की ख़राब है और सेटिंग इसकी ख़राब है। फ्लिकर, फ्लिकर का मतलब नहीं पता ना? मैं आपको बताता हूँ, ये जो लाइन आप चलते हुए देख रहे हो ना, इसको फ्लिकर बोलते हैं। बहुत से लोग परेशान हैं, पैनल पे फ्लिकर आ रहा है, लाइनिंग आ रही है, मोशन हो रहा है, इसको दूर कैसे करें? दो तरीके हैं दूर करने के। पहले रुको, मैं क्वालिटी मेरी ठीक कर लेता हूँ पहले। देखा, अब क्वालिटी हो गई ठीक। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश सावकारे है, मैं फाउंडर हूँ एजुस्कॉट्स का, और एजुस्कॉट टेक्नोलॉजीज की मदद से मैं टीचर कम्युनिटी को हेल्प करता हूँ। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ से फ्लिकर को हमने कर दिया रिमूव, राइट? दो चीज़ों की जरूरत लगी थी, एक थी इस पैनल के अंदर, ये जो पैनल है ना, ये इसी के अंदर एक सेटिंग है, उससे आप फ्लिकर रिमूव कर सकते हो, और दूसरा क्या, सामने खड़ा मेरा कैमरा। उन दो चीजों की मदद से आप फ्लिकर को रिमूव कर सकते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत से लोग क्या करते हैं, लाइट बढ़ा लेते हैं। लाइट बढ़ाना भी सॉल्यूशन होता है, पर ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो कैमरे में शटर स्पीड नाम की एक चीज होती है। कैमरा किसी भी कंपनी का हो, कंपनी वालों से फोन लगाओ, नेट पे सर्च करो, मुझसे कमेंट करके पूछो शटर स्पीड कैसे बढ़ती है, ये पता कर लो। शटर स्पीड बढ़ा के कम ज्यादा करके आप कैमरे का फ्लिकर एक हद तक रिमूव कर सकते हैं। फिर सेकेंड फ्लिकर कैसे होता है, तो देखिए ये तो है बैंक्यू का पैनल, है ना? तो अब बैंक्यू के पैनल पे क्या करना है तुम्हें, तो बैंक्यू के पैनल पे आपको क्या करना है, देखिए ये मेरा नया लेटेस्ट पैनल है, पुराने पैनल में भी सेटिंग होती थी। तो हर पैनल, जितनी भी समझदार कंपनियां हैं, मैं समझदार कंपनी की बात करूँ तो व्यूसोनिक और बैंक्यू, इसके बाद में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, एलजी भी है और मैक्सअप भी है, बहुत सारी कंपनी। मैं बहुत ज़्यादा कंपनी पर जाता नहीं हूँ, जिससे मुझे दिल लग गया, जिससे मुझे अच्छा लग गया, मैं उस पर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यही दो कंपनी मैं प्रेफर करता हूँ। तो देखिए क्या करना है आपको, तो आपको फ्लिकर दूर करने से पहले जो सेटिंग होती है, जैसे मैं आपको बैंक्यू की एक सेटिंग दिखाता हूँ, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे रोहित भाई है, वो अपडेट कर रहे, तो उन्होंने मेन्यू सेक्शन पर गए, यहाँ पर इसको नीचे ड्रॉप डाउन करा, फिर एक बार और ड्रॉप डाउन करा, देखिए जादू नहीं हो रहा है, यहाँ से हमारे जो रोहित भाई है उसको कर रहे हैं। यहाँ पर आप जाएंगे अदर सेटिंग में जाकर, यहाँ पर अदर सेटिंग पे क्लिक करिए, उसके बाद में अब मैक्स ब्लैक लाइट इसको कर दीजिए 100। देखिए अभी ये कितनी है, ये मैक्स ब्लैक लाइट देखोगे ना आप, तो आपके इसमें नॉर्मली यूजुअली पैनल्स पे कितनी होती है, तो पैनल पे होती है 70 से भी कम होती है। तो करना क्या है, इस लाइट को कर देना है 100। देखो अभी आप एग्जांपल देख सकते हो, इसको एक बार 70 करिए रोहित भाई, देखो 70 पे थोड़ा डल दिखेगा, उसके बाद में आप 100 करिए तो 100 प्रॉफिट हो जाएगा। अब बहुत सारे जो हमारे महानुभव डीलर लोग होते हैं ना, शायद उनको भी पता नहीं होता कि पैनल में सेटिंग है भाई, इससे ठीक हो जाता है फ्लिकर। और कई बार तो क्या होता है, ऐसे टीचर हमें समझ में नहीं आता, अरे ये क्या हो गया। बहुत से टीचर बेचारे क्या करते हैं, फ्लिकर हटाने की जुगाड़ क्या होती है, वो कर लेते अपनी स्क्रीन को ब्लैक, वो कर लेते अपने पेन को वाइट। कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज बताओ। तो ऐसा नहीं करना है आपको, पैनल कोई सा भी हो, बैंक्यू, व्यूसोनिक, मैक्सअप, हम में हर पैनल में फ्लिकर की सेटिंग होती है। दूसरा कैमरा, तो देखिए इस चीज से आप इस बड़े से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ये चैनल टोटली डिवोटेड है टीचर्स के लिए। और अगर आप एक टीचर हो या टीचर बनना चाहते हो या यूट्यूब पे कुछ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए यूजफुल है। मेरे चैनल पे मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो क्रिएट करे हैं जो पैनल से रिलेटेड है, ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड है, पढ़ाने के तरीके से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। और अगर आप पैनल बाय करना चाहते हो तो भी आप स्क्रीन पे जो बार बार नंबर आ रहा है ना, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।